जय हिंद, स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर मुगल्स के बारे में, और लेटर मुगल्स में हम देखेंगे पूरे के पूरे जितने भी इम्पीरियर थे मुगल साल में, वो सभी के बारे में हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ नाम और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें देखेंगे। सबका नाम हम वन बाई वन देखेंगे इस वीडियो में। वो स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल्स का। स्टार्ट वहाँ से होता है लेटर मुगल्स 1707 से लेटर मुगल्स स्टार्ट होता है, और ये कब औरंगजेब जब विप होता है, उसके बाद के जो जितने भी मुगल्स वो सब को लेटर मुगल्स के नाम से हम जानते हैं। और ये लेटर मुगल्स के कुछ नाम हों: बहादुर शाह, प्रथम जहानदार शाह, फरुख सैयद, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, और शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह जफर। ये कुछ नाम इसी को हम अच्छे तरीके से इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते। अगर हम शुरुआत में देखें मुगल पीरियड के काल से, तो सबसे पहला जो है मुगल्स वो था बाबर, और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 उसके बाद उसका बेटा कौन था? हुमायूं बने 1556 में, ये डेथ हो गया। और डेथ कहाँ पे हुआ था? तो अपना एक लाइब्रेरी बनाया था, उसी लाइब्रेरी में जो है वो लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने के वजह से इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था, बीमारी की वजह से जो है वो इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर जो है वो 1627, उसका बेटा था अकबर का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर को जहांगीर का जो ओरिजिनल नाम था वो सलीम था, बाद में इसका नाम जहांगीर पड़ा। जहांगीर का 1617 में डेथ हो गई। इसके बाद आया शाहजहाँ, शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम, और खुर्रम जो है वो भी बाद में जाके जो है वो शाहजहाँ बना। 1657 में इसका डेथ हो गया। और शाहजहाँ के चार बेटे थे, दारा सिखो, शाहजहाँ औरंगजेब, मुराद बख्श। दारा सिपो जो है वो सबसे बड़े बेटे थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे शाहजहाँ, तीसरे नंबर पे औरंगजेब, और मुराद बख्श जो थे वो चौथे नंबर पे, यानी फिर सबसे छोटे थे। रूल के हिसाब से दारा सिपो जो है वो राजा बनने वाला था, लेकिन औरंगजेब जो था वो बहुत शक्तिशाली था और एक कूटनीति में बहुत ज़्यादा निपुण था, जिसके वजह से औरंगजेब जो है एक बैटल ऑफ समूर 1858 में जो है वो लड़ता है, और दारा सिफो को जो है वो हरा दें, और दारा सिफो और मुराद दोनों की मृत्यु जो है वो हो जाती। दारा सिफो और मुराद की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ से भी इसका लड़ाई होता है, और शाहजहाँ को जो है वो जेल भेज देता है, अब जीत बन जाता है तो औरंगजेब, विक्ट्री किस्सा हुआ औरंगजेब, अब राजा कौन बनेगा? औरंगजेब। ये छह मुगल्स पीरियड के राजा माने जाते हैं। तो पहले बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर फिर का बेटा शाहजहाँ, और शाहजहाँ का तीसरा बेटा थर्ड नंबर पे जो थे वो औरंगजेब, अब वो राजा बनता है। ये है मुगल पीरियड के राजा। इसके बाद जो है वो कहलाते हैं लेटर मुगल्स। तो सबसे पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और
शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब बनता है अगला राजा। औरंगजेब का जो मृत्यु है वो होता है 1707, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और यहाँ फिर एक वार ऑफ सक्सेसर होता है, वार ऑफ सक्सेसर बैटल ऑफ जजुआ होता है 1707। इसकी मृत्यु के बाद जस्ट हुआ है 1707 में एक बैटल ऑफ जजुआ। और ये किसके बीच में हुआ, तो बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ। और जीतता था कौन है, तो बहादुर शाह जीतता है। अब अगला राजा कौन बनेगा, तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब बबर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस टाइम ये जीता था यानी कि राजा बना था उसको पूरे राज्य के बारे में पता नहीं था, इसीलिए इसको साहिब बेखबर कहा जाता है। और साहिब बेखबर किसके द्वारा कहा गया, तो एक राइटर थे खाफी खान, उसके द्वारा जो है वो साहिब बेखबर इसको कहा जाता है। साहिब बेखबर किसको कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। इसके बाद बहादुर शाह का बेटा जो था वो जहानदार शाह, बहादुर शाह का बेटा जहानदार शाह बनता हूँ। और ये जुल्फिकार खान के सपोर्ट से जो है वो अपना राज्य चलाता है, ज़्यादातर जो काम करता है वो जुल्फिकार खान ही करता है। जहानदार शाह राजा था, जहानदार शाह के बाद आता है फारूक सियाह। जहानदार शाह का भतीजा था, नेफ्यू था। फारूक सियाह किसको मार देता है, जुल्फिकार खान को और साथ में जहानदार शाह, जहानदार शाह और जुल्फिकार खान को फारूक सियाह जो है वो मार देता है। कहाँ पे कौन से बैटल में, तो बैटल ऑफ आगरा होता है किसके बीच में, जहानदार शाह के बीच में। और यहाँ पे जो है वो 1713 में बैटल ऑफ आगरा फारूक सियाह जो है वो फील कर मिलता है जहानदार शाह और जुल्फिकार खान इसके मदद से, सैयद ब्रदर्स के मदद से। उस फारूक सियाह किसके मदद से, जहानदार शाह जुल्फिकार खान को मार देता है, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स में कौन कौन से थे, तो दो भाई थे हुसैन अली खान और हुसैन अली खान बरहान, ये दो भाई थे, इन्हीं दो भाई को कहा जाता है सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स किसके साथ बोल गया, फारूक सियाह के साथ। और किसको मारते हैं, जहानदार शाह और जुल्फिकार खान। जहानदार शाह का जो कार्यकाल था वो 1 साल का ही था। उसके बाद फारूक सिंह निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क जो है वो सैयद ब्रदर्स को मार देता है। हुसैन अली खान को तो युद्ध में मार देता है 1720 में, लेकिन हुसैन अली खान बरहा को जहर देके जो है 1720 में जो है वो मार देता है। और ये किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद शाह, इसके बाद का राजा कौन बना था, मोहम्मद शाह। इसके बाद का राजा मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क सैयद ब्रदर्स को मार देता हूँ। सैयद ब्रदर्स में कौन कौन सा नाम था, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान का जो मृत्यु होता है वो कब होता है, 1720 में। और हुसैन अली खान बरहा का जो फैसल बेफे जो है 1722 में जो है सैयद ब्रदर्स खत्म हो जाते हैं। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क ये किसके बीच, किसके कार्यकाल में था, मोहम्मद शाह। फारूक सियाह के बाद कौन राजा बनेगा, मोहम्मद, मोहम्मद शाह को हम रोशन अख्तर खां भी कहते हैं। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर भी कहा जाता है और इसको रंगीला भी कहा जाता है। रंगीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये म्यूजे या अल्फोहन वगैरह में लीन रहते थे, इसलिए इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता। इसी के कार्यकाल में नादिर शाह इन्वेजन हुआ था 1738 और 1739 के बीच में जो है वो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था। और नादिर शाह जो है यहीं से इसी के कार्यकाल में कोहिनूर हीरा जो है वो लिखे गए थे, और पीकॉक थ्रोन जो है वो मोहम्मद शाह से लिखे गए थे, लिखे गए। लेकिन निजाम उल मुल्क जो है मोहम्मद शाह से थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके ये कहाँ चले जाते हैं, साउथ की तरफ। साउथ में एक
हैदराबाद का फाउंडेशन जो है वो कर पूछा जाता है हैदराबाद का जो फाउंडेशन था या फाउंडर था वो कौन था, निजाम उल मुल्क। ये साउथ में चले गए, नॉर्थ को छोड़कर साउथ में चले गए, द निज़ाम उल मुल्क। मोहम्मद शाह का डेथ कब हुआ, 1748। मोहम्मद शाह के बाद कौन आया, अहमद शाह। मोहम्मद शाह के पास अहमद शाह 1748 में। इसके बीच में एक इसकी माँ थी ऊधम बाई, ऊधम बाई चाहते थे जावेद खान को वजीर बनाना, तो जावेद खान को वजीर बनाया गया, लेकिन जावेद जावेद खान को मार कौन थी, वो सफदार जैन, सफदार जैन। उसके बाद जो है इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया गया, इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया गया। इसके बाद जो है इमाद उल मुल्क बाद में इमाद मुल बिहीन उसको क्या करते हैं, अहमद शाह को 1754 में ब्लाइन फुल तो उसको जेल में बंद कर दिया। इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया, लेकिन इमाद उल मुल्क बिहीन अहमद शाह को क्या किया, ब्लाइन किया और साथ में इम्प्रिजनमेंट यानी उसको जेल में जाकर बंद कर दिया तब 1754 में। के बाद कौन आया, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक इसका कार्यकाल रहा था। ये आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया गया था, ये किसका बेटा था, जहानदार शाह का बेटा। और इसी कार्यकाल में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। और इसी के बीच में एक अहमद शाह अब्दाली भी जो है वो फिर से 1756 में इन्वेट कर। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाहजहाँ, शाहजहाँ तृतीय। और शाहजहाँ तृतीय को जो है वो हटा दिया जाता है मथुरा सरदार द्वारा, इजीली इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद जो राजा बनता है वो होता है शाह आलम। एम्पायर कौन है, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। 1759 से लेकर 1806 तक बहुत लंबे समय तक ये रहा था। और इसके बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ही ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ था। ये सब कुछ नाम बस याद रखना है ताकि हम लिंक भी कर सकें, और बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में कौन कौन सा जो है वह संधि हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इस के नाम और उससे जुड़ी कुछ बातें। और शाह आलम के समय से ही ब्रिटिशर्स के जो है वो ये मुगल इंपीरियर जो है वो पेंशनर बन गए थे, यानी कि अब ये रूल नहीं करेंगे किंतु एक फिक्स्ड अमाउंट में पेंशन दिया जाएगा और यही पेंशन पे अपना गुजारा बसर करेंगे। और पूरा का पूरा जो रूल रेगुलेशन है यानी जितने भी कैसे चलाना है सब के सब ब्रिटिशर्स चलाएंगे। 1803 से पेंशन चालू हो जाता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय में याद रखना है कि राजा का टाइटल दिए थे किसको, राम मोहन रॉय, जिसको हम राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। उनको राजा का टाइटल किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। यही अकबर द्वितीय जो है अपना पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन पढ़ाने के लिए इसको इंग्लैंड भेज, इंग्लैंड राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजते हैं। और यही इंग्लैंड पे इनको एक मेनिनजाइटिस ब्रेन का एक बीमारी होता है, ये होने से इसकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में। ये कुछ बातें याद रखना है अकबर द्वितीय के संबंध में, ये हुआ था। अकबर द्वितीय के बाद आया तो बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर। और इसी के समय में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, और 1857 में पूरी तरह से राजा का ये इंग्लिश का कब्जा हो गया था, और इसमें पूरे फैमिली को जो है हत्या कर दिया गया था, और इसको भेज दिया गया था रंगून, यानी कि रंगून कहाँ पे है, बर्मा में, और रंगून में ही इसकी मृत्यु 1862 में जो है हो जाती है, और यहीं से मुगल जो है वो समाप्त हो जाता है।
मुगल्स जो है वो नेम्ड हो जाता है यहाँ से। तो ये कुछ क्रम है जो कि हमको याद रखना है पूरी तरह से। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से है। सबसे पहला बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का ही नाम है खुर्रम। इसका चार बेटा था दारा सिपो, शाहजहां, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। कौन जीतता है? तो औरंगजेब जीतता है। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर बैटल ऑफ वार ऑफ सक्सेशन होता है, बैटल ऑफ जजुआ। बहादुर शाह प्रथम के साथ या मोहम्मद अजम शाह के साथ यूपी, जिसमें कौन जीतता है? बहादुर शाह जीतता है। बहादुर शाह अगला राजा बने। बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह के बाद कौन आता है? जहांदार शाह। जहांदार शाह का संपूर्ण किसको मिलता है? जुल्फिकार खान को मिलता है। उसके बाद जहांदार शाह के बाद फरूख सियर, जहांदार शाह के बाद फरूख सियर। और फरूख सियर कौन मार देता है? तो सैयद ब्रदर्स जो है इसको मार देते हैं। और सैयद ब्रदर्स को कौन मार देता है? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसके बाद फरूख सियर के बाद राजा का इंटरनल कौन बनेगा? मोहम्मद शाह। फरूख सियर के बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को सुरोशन अख्तर भी कहा जाता है, इसे रंगीला भी कहा जाता है। इसी के समय में नादिर का इन्वेजन हुआ था और निजाम उल मुल्क जो है वो हैदराबाद चले गए थे, वहीं पे उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इनका जो डेथ हुआ था 1748 में हो गया। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद जो हुआ था आलमगीर तूतनी, अहमद शाह के बाद आलमगीर तूतनी, और आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय। ये नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन आलमगीर द्वितीय के साथ में क्या होता है? शाहजहां। और शाहजहां के बाद आता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसी के समय में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बैटल ऑफ बख्श, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, और पेंशनर जो है 1803 में बने गया था। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का इम्पोर्टेंट क्या है? तो राजा टाइटल दिए थे राम मोहन रॉय को, और इन्हीं को पेंशन के लिए भेजा गया था इंग्लैंड, जिसमें मैंने इन्वाइट किया, सिर्फ बीमारी होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बहादुर शाह जब जफर लास्ट मुगल इम्परल थे, बहादुर शाह जफर, और इसकी मृत्यु जो है वो कहाँ पर हो गई? रंगून में हो गई। इसी पूरे मामले को जो है वो मार दिया गया 1857। यहाँ पे हमारा लेटर मुगल्स और मुगल्स के जितने भी सक्सेसर थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है इतना जो सक्सेसर है, लेटर ऑफ सक्सेशन, मुगल का जो सक्सेसर है वो आपको याद हो गया होगा। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।